जैसे उसने पढ़ा है, जैसे उसने जाना है, तमाम वीडियो और पुस्तकों में वैसे नहीं सेट हो पा रहा। और वो किसी का सेट नहीं होता। जब भी गुरु प्रत्यक्ष रूप से होता है, बहुत रेयर होता है कि किसी की डिक्शनरी में सेट हो जाए। इसीलिए वर्तमान के जो गुरु होते हैं, बहुत कम लोग जो सत्य को जानते हैं, जिनको मुक्ति बोध उपलब्ध हुआ है, उनको पहचानने वालों की संख्या उनके समय काल में नहीं होती है, उनके शरीर छोड़ने के बाद, उनके प्रयाण करने के बाद ही होती है। अब रोते हैं, बिलखते हैं। अभी भी आप देख लेंगे बहुत सारे लोगों को कि बुद्ध की किताब पढ़ के, आचार्य रजनीश की किताब पढ़ के, रमन की किताब पढ़ के, जिद्दू की किताब पढ़ के रोएंगे, अरे काश आज ये होते तो मेरा कल्याण हो गया होता। नहीं होता उनका, तब भी नहीं होता और आज भी नहीं होगा। उनके हिसाब से गुरु नहीं चल पाएगा, उनके हिसाब से जो चलेगा वो गुरु नहीं होगा। ये भी एक सूत्र है कि अगर गुरु को जांचना, आखिरी परीक्षा में मन तोड़ता है, उचाट करता है। गुरु स्वयं अपने आप को इतना नीचे गिरा देता है उसके समक्ष, कि किसी तरीके से तो टूटे, ये भागे हटे यहां से। परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं, परीक्षा में उसको अनुत्तीर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि वही उसकी परीक्षा। यह आखिरी परीक्षा में भी अगर वो उत्तीर्ण हो गया, तब ये वहां पहुंचने लायक बनेगा। तीनों तरीके से तोड़ के देख लिया, जो जो उस योनि के, जो जो उस लोक के उसके प्रलोभन हैं, उन सभी प्रलोभनों से अगर वो मुक्त हो गया, कुछ साधनाओं के माध्यम से, कुछ गुरु की वाणियों के माध्यम से, उसकी ओज के माध्यम से, जो इन तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया, उसका तो निश्चित है कि उसका आगे गमन होना ही होना। और गुरु, पुरानी वीडियो आप सुनेंगे, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि गुरु उस बीज को खाद, हवा, पानी, प्रकाश देने का कार्य करता है, उसको पूरा एकांत देने का प्रयास करता है, उसको स्वयं से मिलाने का प्रयास करता है कि देखो तुम कौन हो। और जब उसी बीज में से कोपले निकलती हैं, पत्तियां, टहनियां, फल, कली, और जब पुष्प बन के खिलता है, तो गुरु उठा के फेंकता है इष्ट के चरणों में कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वो नहीं अपने पास उसको इकट्ठा करके रखता है। ये गुरु की परिपाटी है, ये गुरु का गुण है। मारा, पीटा, प्रेम करा, गाली दी, सहेजा, वहां तक पहुंचाया, उस स्तर तक, और उसको उठा के फिर चरणों में अर्पित कर दिया इष्ट के, कि तेरा तुझको अर्पण, जिसको जो तुझने तूने जो मुझे भेजा था जिस कार्य के लिए, मैंने कर डाला। ले अब आगे की गति तेरी, और स्वतः बहता है। उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः बहता है, करने वाला ही नहीं बचता, खो गया, डूब गया, बह गया, कुछ बचा ही नहीं। ऐसे ढूंढेगा शिष्य गुरु को, गुरु शिष्य को। जब ये प्रश्न आता है, इसके उत्तर में, पूरे उत्तर को देने के बाद मौन रहना सर्वोत्तम होता है। जय श्री काल भैरव। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सभी साधकों के साथ, सभी जानकार लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करें, ताकि सभी अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। जय श्री काल भैरव।